हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारी बेहतरीन जानकारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के प्रोटेक्शन सिस्टम का बैकबोन है ये इक्विपमेंट। या यूं कहें कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा का पूरा बिजनेस रन होता है वो इस इक्विपमेंट की एक्यूरेसी पर पूरी तरह से निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर्स काम के हिसाब से ही नाम रखा गया है इसका। करंट को ट्रांसफॉर्म करता है छोटी छोटी वैल्यूज पे। छोटा बच्चा ना समझना इसको। पावर नेटवर्क में कद बहुत बड़ा है इसका, बहुत बड़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों शेप के हिसाब से देखें तो ये सिटीज बहुत तरह के आते हैं, जैसे कि रिंग टाइप सिटीज, बार प्राइमरी सिटीज या फिर वाउंड टाइप सिटीज। एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं इंडोर टाइप सिटीज, इनको आपने पैनल्स के पीछे सबस्टेशंस में अक्सर लगा देखा होगा। आउटडोर सिटीज, इनको आपने ओवरहेड स्विचयार्ड में लगा देखा होगा। रेशियो के हिसाब से देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग में लगभग सारे रेटिंग्स ही मिल जाते हैं, जैसे कि 80 एम्पियर्स, 150 एम्पियर्स, 200, 300, 400, 600, यहां तक कि 1000 और 2000 एम्पियर भी आते हैं। पर सेकेंडरी में सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, 1 एम्पियर और 5 एम्पियर। यानी कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चाहिए वो आप डिजाइन करवा सकते हैं। तो है ना मजेदार बात। पर मणे अब यो बात समझ नहीं आ रही, जब मैं ना यूज करने लग रही है इस सिटी को तो कैरानी हो जाएगी। वेल, ये बात समझने के लिए हम 11 केवी लाइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों सब स्टेशन के अंदर 11 केवी पैनल के पीछे आपने इन सिटीज को देखा होगा। सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करें तो पैनल बस बार से सिटीज कुछ इस तरह कनेक्ट रहती हैं। उसके बाद आउटगोइंग सर्किट केबल निकलकर ओवरहेड या अंडरग्राउंड लाइन में कनेक्ट हो जाती है। यहाँ हमने एक 300/5 एम्पियर की सिटी सेलेक्ट की है, ये मानते हुए कि लाइन की मैक्सिमम कैपेसिटी 300 एम्पियर है। दोस्तों अब जरा ध्यान दीजिए कि सिटी लगाने के बेसिकली सिर्फ दो पर्पस होते हैं, एक मीटरिंग और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेरी ओवरहेड या अंडरग्राउंड लाइन है। वेल, मीटरिंग में भी फर्दर दो पर्पस हो जाते हैं, एक तो नॉर्मल मीटरिंग जैसे कि एमीटर या फिर यू कहें कि लोड मेजरमेंट के लिए। दूसरा पर्पस है रेवेन्यू मीटरिंग का, यानी कि एनर्जी मीटरिंग। आप आसानी से गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर जरा सी फ्रैक्शनल एरर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया, यानी कि एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए। अब प्रोटेक्शन में भी दो पर्पस होते हैं, एक तो नॉर्मल प्रोटेक्शन जैसे कि ओवरकरंट अर्थ फॉल्ट, और दूसरा स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम्स जैसे कि डिफरेंशियल आरईएफ प्रोटेक्शन। यहाँ दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फॉल्ट होते रहते हैं, और फॉल्ट के टाइम पर प्राइमरी करंट थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स में पहुंच जाता है। तो उस टाइम पर सिटी से कनेक्टेड मीटरिंग इक्विपमेंट या तो इतने हैवी फॉल्ट करंट पर सस्टेन करने चाहिए या फिर ये करंट इनसे पास ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मीटरिंग इक्विपमेंट डैमेज हो जाएंगे। चलिए पॉइंट वाइज अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। मीटरिंग में एक्यूरेसी हाई चाहिए, जबकि प्रोटेक्शन में ये मॉडरेट एक्सेप्टेबल है। फॉल्ट के टाइम पर जब हाई करंट फ्लो हो तो मीटर से ये करंट पास ना हो, जबकि रिले में करंट बराबर पहुंचनी चाहिए। इस बात को दूसरी तरह से समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉल्ट के टाइम पर जब हाई करंट फ्लो होता है तो मीटरिंग इक्विपमेंट को डैमेजेस से बचाने के लिए मीटरिंग सिटी कोर सैचुरेट हो जानी चाहिए, जबकि प्रोटेक्शन कोर डिफाइंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्टिव रहनी चाहिए, तभी तो फीडर ट्रिप होगा। तो दोस्तों इन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए करंट ट्रांसफार्मर्स को मेनली हम दो एक्यूरेसी क्लासेस में बांट सकते हैं, मीटरिंग क्लास एंड प्रोटेक्शन क्लास। अभी मीटरिंग क्लास की बात करें तो इनमें कुछ ये ऑप्शंस मिलते हैं, वहीं प्रोटेक्शन क्लास अगेन फिर दो ऑप्शंस में आ जाता है, नॉर्मल और स्पेशल प्रोटेक्शन। नॉर्मल प्रोटेक्शन सीटीज आती है 5P10, 5P20 की फॉर्म में, जबकि स्पेशल प्रोटेक्शन सिटीज सिंपली पीएस क्लास सिटीज कहलाती हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले
हम बात करते हैं मीटरिंग सिटीज की। अब यो के बवाल से दोस्तों, 5-3-1 मार्क वाली सिटीज एमिटर्स वगैरह में लोड मॉनिटरिंग के लिए यूज की जाती है, जबकि 0.2-0.1 क्लास वाली सिटीज रेवेन्यू मीटरिंग में यूज होती हैं। पॉइंट वाइज समझे तो ये जो एक्यूरेसी क्लास है ये 100-125% लोडिंग कंडीशन के केस में सिटी के मैक्सिमम एरर को बताती है। यानी कि 0.2 क्लास वाली सिटी कहती है कि जब 100-125% लोड ऑफ द रेटेड वैल्यू सिटी पर चल रहा होगा तो सिटी सेकेंडरी की करंट वैल्यूज में मैक्सिमम प्लस माइनस 0.2% की एरर हो सकती है। यानी कि अगर एक 100/1 एम्पियर की सिटी है और 100 एम्पियर लोड प्राइमरी साइड में चल रहा है तो सेकेंडरी वायर्स में 0.998 एम्पियर से 1.002 एम्पियर के बीच करंट हो सकता है। लो लोडिंग के केस में ये एरर बढ़ जाएगी, आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोटेक्शन क्लास सिटीज की, यानी कि 5P10, 5P20 सिटीज की। यो आगे एक और बवाल। वेल दोस्तों ये बवाल नहीं है, आसान है। चलिए 5P20 से समझते हैं। इसमें 5 का मतलब कंपोजिट एरर से है, वहीं P का मतलब है प्रोटेक्शन और 20 मतलब एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। थोड़ा डिटेल में चलते हैं दोस्तों। 5P20 का मतलब है ये प्रोटेक्शन क्लास सिटी 20 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट पर भी सैचुरेट नहीं होगी, और जब इतना करंट फ्लो होगा तो उस वक्त इस सिटी के रीडिंग्स में मैक्सिमम कंपोजिट एरर प्लस माइनस 5% होगा। एग्जांपल से समझे तो 300/1 एम्पियर की 5P20 सिटी 20×300 यानी कि 6000 एम्पियर फॉल्ट करंट पर भी सस्टेन करेगी और सैचुरेट नहीं होगी, और इस वक्त सिटी में मैक्सिमम एरर 5% होगा। अभी हो क्या जाल सा बना दिखे है, आ जाता हूं ये अभी कोई बवाल ना है। दोस्तों पीएस क्लास सिटीज भी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के तहत ही बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम, जैसे कि डिफरेंशियल आरईएफ। ये भारी भारी नामों से अगर आप वाकिफ हैं तो आपको ये पता होगा कि इसमें जिस यूनिट या इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है उसके दोनों साइड सीटी लगाई जाती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के HV और LV साइड्स। फिर दोनों सिटीज के वैल्यूज को डिफरेंशियल रिले कंटिन्यूसली कंपेयर करती रहती है। ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट होने की दशा में ये रिले ऑपरेट हो जाती है, पर सिटी 1 और सिटी 2 के बाहर अगर कोई फॉल्ट होगा तो चूंकि ट्रांसफार्मर के HV और LV दोनों साइड्स में करंट सेम रहेगा तो डिफरेंशियल ऑपरेट नहीं होगी। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सिटीज के सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और नी पॉइंट लेवल का आइडेंटिकल होना बहुत जरूरी है। तो ये थी दोस्तों सिटीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। चलिए जल्दी से इस सिटी की नेम प्लेट को रीड कर लेते हैं। ये है प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल। ये एक डबल रेशियो 2-कोर सिटी है। 60/5 और 30/5 ये दो रेशियो सिलेक्शन आप कर सकते हैं। सिटी में 2 कोर हैं, एक मीटरिंग के लिए और एक नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए 5P10 कोर। सिटी का बर्डन 15 VA है, यानी कि सिटी के सेकेंडरी वायर्स में रिले मीटर सेकेंडरी वायर सब मिलाकर टोटल बर्डन 15 VA तक डाल सकते हैं। दोस्तों सिटीज के सेकेंडरी वायर्स में 3 ओवर करंट और 1 अर्थ फॉल्ट रिले कैसे कनेक्ट रहती है ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। रिले सिटी और ब्रेकर आपस में मिलकर कैसे प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं, कैसे ट्रिपिंग आती है, ये समझने के लिए आप इस वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, मैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।